सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी जोनों का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया है। परीक्षा के 28 दिन के भीतर सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। सीबीएसई ने 4627 केंद्रों पर कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक आयोजित की थी। इस परीक्षा में डीपीएस गाजियाबाद की हंसिका शुक्ला और एसवी स्कूल मुजफ्फरनगर की करिश्मा अरोरा ने 499 अंकों के साथ टॉप किया है। आपको बता दें कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए इस रिजल्ट में 83.4% बच्चे परीक्षा में सफल रहे हैं। इस परीक्षा में लड़कियां 88.70% जबकि लड़के 79.4% सफल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 98.54% रहा जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय दूसरे नंबर पर रहे। पांचवें नंबर पर सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम रहा जबकि निजी स्कूल छठे स्थान पर रहे। इस बार भी परीक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने बाजी मारी है। दिल्ली रीजन की बात करें तो 91.87% बच्चे यहां पास हुए हैं और त्रिवेंद्रम में 98.2% रहा रिजल्ट। रिजल्ट को जानने के लिए स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए एक लिंक आपको दिखाई देगा। अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको बता दें कि इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 31 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इस साल कक्षा 12वीं के लिए 13 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 7 लाख से ज्यादा छात्र जबकि 5 लाख से ज्यादा छात्राएं थीं।